हेलो दोस्तों, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम बात करेंगे SJVN लिमिटेड के बारे में। तो SJVN जो शेयर है वो आज क्लोज हुआ है 27.25 पे। आज हाई गया था 27.70 पे, लो गया था 26.90 पे। 52 वीक्स हाई है 30.80 एंड लो है 20.65। ओके, फिनस्टार से इस शेयर को 4 out of 5 रेटिंग दिया गया है। मार्केट कैपिटल देख लीजिए आप, मार्केट कैपिटल इसका है आपका, देखिए 10,708 करोड़, ठीक है। आपका इसका पी रेशियो देखिए 6.41। आपको लग रहा है कि अंडर वैल्यू है, हाँ डेफिनेटली ये शेयर अंडर वैल्यू है, लेकिन इसका जब टेक्निकल बताएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा टेक्निकली ये बहुत स्ट्रांग है, तो आगे जाके वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी देखिए इसका डिविडेंड भी देता है 8%, अच्छा ही खासा डिविडेंड देता है। और इसका देखिए आपका कैश जो है, इसके हाथ में अभी कैश है 942 करोड़। और इसका डेट है देखिए यहाँ पे 2154 करोड़। इतना बड़ा मार्केट कैपिटल के मुकाबले ये डेट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है। जब इक्विटी एंड डेट रेशियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखिए बहुत ही बढ़िया है, देखिए 86.77% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है, लेकिन इसमें कुछ शेयर प्लेज है कि नहीं है हम लोग आगे जाके हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अभी देखिए सेल्स ग्रोथ इसका गिरा है, डेफिनेटली गिरा है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ भी पहले से कम हुआ है। 3 साल का जो रेशियो है प्रॉफिट ग्रोथ 10% का है, और 5 साल का है 3% और 1 साल का जो है 4.85%, और 3 साल के मुकाबले ये कम है। अभी आप वो रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 13.17%, लगभग सेम ही है 5 साल का और 3 साल से ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और ROCE भी पिछले जैसा ही है, मतलब 5 साल का है 14.99%, 3 साल का है 15.91% और 1 साल का है 15.54%। लेकिन यहाँ पे देखिए डेट इक्विटी रेशियो 0.17 बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट देखिए 1.22 ये बहुत ही बढ़िया है, ओके। अभी देखिए प्रोमोटर्स का जो होल्डिंग है इसका 86.77%, उसमें कुछ भी शेयर आपका प्लेज नहीं है, कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, ओके। अभी थोड़ा सा इसका हम क्या करेंगे, इसका देखिए नेट सेल्स तो घटा हुआ है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ आप पहले ही देख चुके हैं कि उसमें आपका माइनस में है। तो पिछले साल से आपका नेट सेल था 2707, अभी इस साल का है 2490, ओके। लेकिन प्रॉफिट एक बार देख लीजिए, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एक बार देख लीजिए, प्रॉफिट है आपका पिछले साल था 1557 करोड़, वो अभी बढ़ के 1633 करोड़, तो प्रॉफिट तो थोड़ा सा बहुत बड़ा ही है। अभी देखिए रिजर्व देखिए पिछले साल था आपका 8104 करोड़, अभी वो बढ़ के हुआ है 8832 करोड़। करंट लाइबिलिटी है इसका, अभी देखिए करंट लाइबिलिटी है आपका इस साल का है 1388 करोड़, ओके। अभी थोड़ा सा इसका करंट एसेट भी देख लेंगे, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से ऑलमोस्ट डबल है, डबल से भी ज्यादा है, 3287 करोड़, बहुत ही बढ़िया है, ओके। अभी इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख लीजिए, पिछले साल था 1998 करोड़, अभी यह बढ़ के हुआ है 2010 करोड़, तो ये भी अच्छा है, इसमें भी बड़ा हुआ मिला हम लोगों को। और इस अगर आप लोग इसका एक मतलब 20 तारीख तक, अगर जिस तरह कुछ हॉलीडे नहीं हुआ इस महीने का 20 तारीख तक ये शेयर आप खरीद लेंगे तो आपको 40 पैसा करके आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो फंडामेंटली 2-1 पॉइंट छोड़ के बहुत ही अच्छा शेयर है, डिविडेंड भी देने वाला है, आपको लग रहा है 40 पैसा, लेकिन शेयर का अमाउंट भी देखिए 27 रुपए का शेयर में 40 पैसा, मतलब 4% डिविडेंड बहुत खराब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग ये शेयर 20 सितंबर से पहले खरीद लेंगे, अगर मुझे पता नहीं 20 सितंबर के दिन कुछ हॉलीडे है क्या, सैटरडे है, अगर सैटरडे में कुछ हॉलीडे नहीं रहा तो अगर 20 सितंबर तक खरीद लेंगे तो आप लोगों को डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अभी आगे जाके हम लोग टेक्निकल देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न कैसा है, चार्ट क्या बोल रहा है, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेंगे कि ये शेयर में हम लोगों को एंट्री करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी आपके स्क्रीन पे अभी ये चार्ट आ गया, ये वन डे वाला चार्ट है, इसमें देखिए पहले मैं बिना इंडिकेटर वाला चार्ट आपको दिखा देता हूँ, पूरा शेयर कैसे ट्रेन में है आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें जो शेयर लग रहा है देखिए यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, उसके बाद हायर हाई बनाया, फिर लोअर लो, फिर ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है। ये वन डे का चार्ट में ये शो कर रहा है। और अभी इसका थोड़ा सा क्या, हम लोग वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट में भी देखिए ये शेयर
मतलब आप 10 भी है, यहाँ पे अगर हम लोग एक आपका 10 लाइन बनाते तो आप लोगों को पता चलता कि ये शेयर अपटेंड है, कोई भी शेयर एक बार से ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे लोअर लो बना के हाई गया, फिर लोअर लो बना, फिर हाई गया, फिर लोअर लो बना, फिर हाई गया, फिर अभी लोअर लो कोई है तो ये आगे जाके हाई जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका मैं क्या करूंगा, मंथली चार्ट भी देख लेंगे। मंथली चार्ट देखिए इसका खुल गया आपके पास, यहाँ से देखिए ये शेयर बढ़ते ही रहा है, 3 महीने में थोड़ा सा गिरावट आया लेकिन यहाँ से फिर से बढ़ना चालू किया। अभी जब इंडिकेटर वाला चार्ट में चले जाएंगे तो आप लोगों को पूरा डिटेल्स आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक मिनट, ये देखिए इंडिकेटर लगा हुआ अभी चार्ट में हम लोग चले रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका एमएससीडी इसको बाई बोल रहा है, आरएसआई भी 60 के करीब आ चुका है, 60 के नजदीकी है तो ये भी बाई बोल रहा है। यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेन ने ऑलरेडी यहाँ पे एक बाई सिग्नल दिया था और इस एक बाई सिग्नल देते इसी कैंडल में ये आपका 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था। ठीक है, और आज के डेट में ये शेयर देखिए 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस दिया और 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे एक आपका क्रॉस ओवर बना रहा है जो बहुत ही अच्छा है। जैसे जब भी क्रॉस ओवर बनाता है तब भी एक कोई भी शेयर ऊपर जाता है। तो थोड़ा सा इसका मैं मंथली चार्ट भी वीकली चार्ट भी देख लेंगे। ओके, तो वीकली चार्ट में आपको इसमें क्लियर देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे देखिए अभी वीक खत्म नहीं हुआ लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे सुपर ट्रेन ने बाय सिग्नल दे चुका है, आरएसआई 60 नहीं है लेकिन 60 के नजदीक ही है और आपका एमएससीडी हो सकता है जीरो से नीचे, मतलब जीरो के पॉइंट डबल नीचे शो कर रहा है लेकिन यहाँ पे एमएससीडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और जो प्राइस है आपका यहाँ पे देखिए आपका 200 मूविंग एवरेज क्रॉस कर गया है। पहले आपका ऑलरेडी इस जगह पे देखिए 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज का एक आपका क्रॉस ओवर बना था, तब शेयर यहाँ पे हाई में गया था, फिर देखिए यहाँ पे अभी आपका 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में एक क्रॉस ओवर थोड़े दिन में मुझे लगता है कि बन जाएगा तो ये शेयर भी अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, ये वीकली चार्ट तो आप लोगों को पता चल गया। अभी थोड़ा सा मेन है मंथली चार्ट, लॉन्ग टर्म के लिए जो हम लोग देखते हैं मंथली चार्ट में देखिए एमएससीडी भी इसको बाई बोल रहा है, आरएसआई भी 60 है और आपका यहाँ पे देखिए सुपर टेन ने इस जगह पे बहुत अच्छा एक कैंडल बना के हम लोगों को बाय सिग्नल दिया था, उसके बाद ये शेयर आपका 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी और यहाँ पे 50 डेज और 100 डेज मूविंग एवरेज एक बहुत अच्छा क्रॉस ओवर बनाने जाने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर में अगर आप लोग अभी एंट्री करेंगे तो पहला टारगेट इसका होगा 30 रुपया और अगर 30 रुपया भी क्रॉस करके 30 के ऊपर ही सस्टेन करते हैं तो शेयर आगे जाके आप लोगों को 36-35 भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि मैं आगे जितना भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए और इसके अगला वीडियो मैं थोड़ी देर में ही डालूंगा जिस जो होगा IRCTC के ऊपर। ओके, तो IRCTC आज बहुत हाई में चला गया तो अभी इसमें क्या कहना चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो मैं थोड़ी 2-3 घंटे में अपलोड करने वाला हूँ। धन्यवाद।